विल बी टॉकिंग अबाउट चैप्टर 5 ऑफ द एफएसएसएआई एक्ट. सो इसमें हम बात करेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड. सो इस चैप्टर में बेसिकली इस चैप्टर में ओनली एक सेक्शन कवर किया गया है इस चैप्टर में. सो दैट इज सेक्शन 25. सो बेसिकली इस सेक्शन में द एफबीओज हु आर इम्पोर्टिंग आर्टिकल ऑफ फूड इनटू इंडिया, सो उसके रिलेटेड सभी प्रोविजंस दी गई हैं कि क्या उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जब वो किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में आर्टिकल ऑफ फूड इम्पोर्ट करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 25 एज आई टोल्ड यू, सो ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड टू बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, दैट इज जितने भी आर्टिकल ऑफ फूड इंडिया में इम्पोर्ट किए जाएंगे फॉरेन कंट्री से, सो दोज आर्टिकल्स ऑफ फूड हैव टू अडियर टू ऑल दी प्रोविजंस गिवन इन दिस सेक्शन एज वेल एज फर्दर रेगुलेशंस भी हैं कुछ एफएसएसएआई की. सो रेगुलेशंस के बारे में हम आने वाली वीडियोज में बात करेंगे. सो रेगुलेशंस में आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या स्पेसिफिक माइन्यूट माइनर डिटेल्स जो कि एक फूड इम्पोर्टर को फॉलो करनी है उसके बारे में हम रेगुलेशंस में पढ़ेंगे. जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट, ये सेक्शन 25 में आर्टिकल ऑफ इम्पोर्ट को कवर किया गया है. सो सबसे पहले अगर हम सब सेक्शन 1 की बात करें, इसमें एक्ट में कहा गया है नो पर्सन शैल इम्पोर्ट इनटू इंडिया एनी अनसेफ और मिसब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड फूड और फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनस मैटर. सो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कोई भी पर्सन, बी इट एफपीओ और बी इट एनी पर्सन, इवन यू एंड मी, जो भी इंडिविजुअल पीपल है वो भी, और या फिर कोई एफपीओ या फिर मैन्युफैक्चरर या फिर साइंटिस्ट, कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड इंडिया में ऐसा इंपोर्ट नहीं करेगा जो कि अनसेफ है या फिर उसकी ब्रांडिंग गलत है या फिर वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, दैट इज नॉट अप टू द क्वालिटी एंड फर्दर इट कंटेन्स एक्सट्रेनस मैटर. सो गाइज अगर आप इन डेफिनेशंस को क्लियरली समझना चाहते हैं, अनसेफ, मिसब्रांडेड, सब स्टैंडर्ड फूड क्या है और एक्सट्रेनस मैटर क्या है, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. सो मैं इसका लिंक जो है एंड में डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा. सो यू कैन गो एंड लर्न अबाउट दिस डेफिनेशंस इन डिटेल, बिकॉज इन डिटेल में समझाया गया है अनसेफ फूड किस क्या है, मिसब्रांडेड फूड क्या है, सब स्टैंडर्ड फूड क्या है, एक्सट्रेनस मैटर, इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस दी गई हैं एफएसएसए के बारे में. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, राइट. नेक्स्ट, सो फर्दर एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ विच अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर एनी एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस. सो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट हमने देखा था उसमें कोई भी पर्सन आर्टिकल ऑफ फूड इम्पोर्ट नहीं करेगा जो कि अनसेफ, सब स्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड या फिर उसमें एक्सट्रेनस मैटर है. सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, डेट इज अगर उस आर्टिकल के लिए लाइसेंस चाहिए तो वो भी आप बिना एफएसएसएआई की परमिशन के, बिना एफएसएसएआई के लाइसेंस के बिना आप वो आर्टिकल ऑफ फूड इम्पोर्ट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस भी दी जाती हैं एफएसएसएआई के द्वारा. सो वो हम फर्दर रेगुलेशंस, जब हम इम्पोर्ट रेगुलेशंस डिटेल में पढ़ेंगे, सो देन यू विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन से आर्टिकल ऑफ फूड या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, राइट. सो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. लेकिन जिसके लिए स्पेसिफिकली आर्टिकल ऑफ फूड के लिए लाइसेंस चाहिए, तो उस लाइसेंस के बिना अगर आप इंपोर्ट करते हैं, राइट, एन आर्टिकल ऑफ फूड, सो आप एक क्राइम कमिट करते हैं. एंड इफ एफएसएसएआई कम टू नो, देन डेफिनेटली दैट एफबीओ और द पर्सन इज लायबल टू गेट पनिशमेंट, राइट. ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट, एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर. सो तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी ऐसा आर्टिकल ऑफ फूड एक एफबीओ या फिर कोई मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट नहीं करेगा जो कि इस रूल्स में, इस एक्ट में जितने भी प्रोविजंस दी गई हैं, राइट, या फिर फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स बनाती है या फिर एफएसएसएआई फर्दर रेगुलेशंस बनाता है उस आर्टिकल ऑफ फूड के लिए, अगर वो आर्टिकल ऑफ फूड उन इस एक्ट को या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करता है, इनको नहीं मीट करता, तो डेफिनेटली वैसा आर्टिकल ऑफ फूड इंडिया में इंपोर्ट करना जो कि अलाउड नहीं है. अगर कोई ऐसा करेगा तो डेफिनेटली ही इज लायबल टू बी पनिश्ड और उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है. सो सेकंड पॉइंट,
सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेक्शन 25 में दो ही सब सेक्शन है, सबसेक्शन वन एंड सबसेक्शन टू. सो सबसेक्शन वन हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया है. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं. सो सेकेंड सबसेक्शन है द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल वाइल प्रोहिबिटिंग रिस्ट्रिक्टिंग और अदरवाइज रेगुलेटिंग इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड अंडर फॉरन ट्रेड एक्ट 1992. सो यहाँ पे इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपको नॉलेज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आर्टिकल ऑफ इम्पोर्ट, जो कि इंडिया में कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड है अगर उसको इम्पोर्ट किया जाता है तो वो फॉरेन एंड ट्रेड रेगुलेशन एक्ट के अंडर वो कवर होता है. सो इसीलिए यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो, बिकॉज यहाँ पे FSSAI ने अपना एक्ट 2006 एक्ट दिया है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉरेन ट्रेड एक्ट भी है. इन दोनों में जो कि है डिस्क्रिपेंसी ना हो, तो FSSAI ने क्लियरली कहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड को प्रोहिबिट करना चाहती है, रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है या रेगुलेट करना चाहती है इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए, सो उनको पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड्स, अगर आप देखोगे स्लाइड पे, फॉलो द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय द फूड अथॉरिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर. सो इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पे FSSAI एक्ट को रेफर करना पड़ेगा, राइट. ये जो प्रोविजंस हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो फॉरेन ट्रेड एक्ट के अंडर कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड को प्रोहिबिट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उसकी सेल या फिर उसको बैन करना चाहते हैं, राइट. आई होप इट्स क्लियर. सो लास्टली थैंक यू गाइज. सो सेक्शन चैप्टर 5 वॉज वेरी शॉर्ट, सो इसमें एक ही सेक्शन था, सेक्शन 25. सो आई होप इट्स क्लियर. अगर पसंद आई वीडियो तो गाइज लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर सिक्स में तीन फर्दर सेक्शंस रहेंगे, सो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. सो आई होप इट्स क्लियर. सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच, टेक केयर.